अबे धोनी भैया, यार भाई देख रहे हो, तुम भी भैया नोटिस कर लो, ये बांग्लादेश वाले भी तगड़े पड़ रहे हैं भाई, ये भी तगड़ा छापा मार रहे हैं हल्की हल्की टीमों के आगे। मैं बताओ, नीदरलैंड वालों को एकदम घुटने टिकवा दिए इनने, क्या तगड़ा खेले भाई। हाँ भाई स्कॉट एडवर्ड, मैं भाई क्या खेलते हो तुम लप्पू झन्ना गेम, वह ऐसे तो भैया कभी भी ना बनेगा तुम्हारा नेम। हमको तो ऐसा लग रहा है भाई, तुम्हारी टीम का तो पहले से ही पजामा फटा हुआ है, और जिस टीम का रहता है फटा हुआ पाजामा, वो टीम के साथ होता है हमेशा ही ड्रामा। अबे शर्मा जी, यार भाई देखो, ऐसा है चूतिया पंती वाली बातें करने की जरूरत ना है भाई, हमारी टीम हारे जीते इससे तुमको क्या फर्क पड़ता है। हम तो भाई ये कहते कम से कम हम वर्ल्ड कप खेल रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी टीमों को देख लो, बाकी टीमों का तो हमसे भी ज्यादा पजामा फटा है। मैं धोनी भैया समझाओ, हम तो हल्के हैं, हल्के थे और हल्के ही रहेंगे ना, हमने कभी कहा है कि भैया हम तगड़े हैं या फिर तगड़े रहेंगे। भाई हम तो हल्के हैं, हमको तो जो भी टीम चाहे पीट के चली जाए, हम पे फर्क ना पड़ता, बस हमको ऐसे ही बड़ी बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिलता रहे तो मजा आ जाएगा। अबे ओए चाशनी में डले हुए बतासा, अरे भाई बकवास करके काय के लिए बना रहे हो इंडिया वालों के आगे तमाशा। अरे भाई तुम हार गए, हमको तुम हल्के में ले रहे थे, पहले तो तुम लोग ये डींगे मार रहे थे कि ये कर देंगे बांग्लादेश को, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अरे कहाँ गई तुम्हारी हेकड़ी। अरे भैया नाम है हमारा साकिब अल हसन, खिलाड़ी हैं हम बहुत बड़े, और तुमने तो देखा ही होगा भैया, एकदम ऐसा काम कर देते 46 गेंदों पे 64 रन बनाने का, जिसके आगे तुम्हारे कच्छे उतर जाते हैं खड़े खड़े, समझे। अबे लंबा है रे मैडम, लंबा है, देखो बस भाई तुम जीतो हारो इससे हमको कोई फर्क ना पड़ता, भाई हारना है तो हार जाओ, जीतना है तो जीत जाओ, लेकिन वर्ल्ड कप की चर्चा हमसे मत करना, हम जीतने की काबिलियत फिर से रखते हैं, हमारे आगे से तुम पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाओ, वर्ल्ड कप तो बेटा हम ही जीतेंगे, तुम चाहे कैसे भी खेल लो। अरे भैया बाप है सबके, और सबका बाप, और बाप के आगे सब है झोला छाप, समझी। अबे धोनी भैया ये ऐसे थोड़ी समझते हैं, इनको गाना गा के समझाना पड़ता है। भाई हम तो ये कहेंगे भैया, बाप के आगे बच्चों की औकात नहीं होती, जो करे बाप से टक्कर तो फट जाए धोती। भैया धोती फट जाएगी, पजामा तुम्हारा एकदम नीचे को खसक जाएगा, तुमको पता भी ना चलेगा भाई पजामा किसने खसकाया है। भाई बाप है भाई, हमसे करोगे मुकाबला तो तुमको बना देंगे पीयूष चावला, सॉरी तुमको बना देंगे बाबला, ऐसा कर देंगे भाई काम तुम्हारा लुल, और वर्ल्ड कप खेलने की हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी खत्म चुल। हाँ भाई बांग्लादेश के हीरो, वह खेल में नंबर 0, वह बेईमान साकिब अल हसन। भाई और बताओ कैसा लग रहा है, बाकी तुम मैच जीत गए हो तो बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन भाई फिर भी तुम ये बताओ कैसा लग रहा है। यमी रहनी दो शर्मा जी, मैं भैया ज्यादा हमारा मजाक बनाने की जरूरत ना है, समझी। देखो भाई नाम है हमारा स्कॉट एडवर्ड, हर किसी पे आ जाता है हमको गुस्सा, और जिस पे भी आया हमको गुस्सा, उसको हमने गर्दन पकड़ के जमीन में गुस्सा, तुम हमसे बकवास करोगे तो भाई हमको गुस्सा आ जाएगा, समझे। बाकी धोनी की अदालत में काम बढ़िया हुआ है, हम लोग लुल हो गए, बांग्लादेश का ये बुढ़ापा हमसे जीत गया। अब वही नीदरलैंड के खिंचे हुए कान वाले मेरे राजा, वह भाई हमारी टीम बजा देगी तुम सभी लोगों का बैंड बाजा, इसीलिए बाजा बजवाने को तैयार रहो, तुमको लुल बनाया जाएगा, सबका बैंड बजाया जाएगा।